बात करेंगे दक्षिणी यमन के शहर अदन में सेना के एक दफ्तर पर हुए फिदायीन हमले में अब तक 71 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों का यह कहना है कि हमलावर ने सरकार समर्थक एक हथियारबंद गुट के मुख्यालय पर विस्फोटक से भरी कार को घुसा दिया था। पॉपुलर रेजिडेंट्स नाम के गुट ने पिछले साल भी हुती विद्रोहियों को अदन से बाहर खदेड़ने में मदद की थी। जनवरी 2015 में शिया हुती विद्रोहियों ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से ही गृह युद्ध शुरू हो गया था। सऊदी अरब के नेतृत्व में गठबंधन सेना यमन की सरकार के समर्थन में विद्रोहियों के ठिकाने पर बम बरसा रही है। संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से शांति वार्ता की कई कोशिशें नाकाम रही हैं और इस बीच हजारों लोग मारे जा चुके हैं।